प्रकार से हमारी इक्वेशन बन जाती है a² + a² + c² ये आपके थर्ड इक्वेशन है। इन ट्राइंगल यूडीसी ED² + AC² + CD² अब क्या करते हैं हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऐड करते हैं तो आपको आता है BD² तो A² एक ब्रैकेट BC² तो AC² सेकंड ब्रैकेट में DC² + C² हम देखते हैं कि ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये भी किस पर ए बी स्क्वायर पर आता है और आपका ये ED² पर आता है। इस प्रकार देखते हैं कि A² + BD² = AB² + D² आपका रहता है।